आइए खबर देखते हैं खापरखेड़ा से। कोविड ने मासूम भाई बहन के सिर से माता पिता का साया छीन लिया। चाचा चाची ने उन्हें अपने साथ भानेगांव तो जरूर ले आए, लेकिन प्यार और दुलार नहीं दे पाए। उस कारण उनसे तंग आकर दोनों बच्चे शुक्रवार 10 जून को दोपहर में घर से ही भाग गए। बहन भाई ने चाचा चाची के नाम चिट्ठी छोड़ दी। इसमें उन्होंने लिखा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, आप खुश रहे। दोनों बच्चे मंडला मध्य प्रदेश में रहने वाली अपनी दादी के पास जाना चाहते थे, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। लोगों से पैसे मांगकर दोनों कामठी पहुंचे। वहां भानेगांव के एक ऑटो रिक्शा चालक की उन पर नजर पड़ी। बच्चों से पूछताछ करने पर उन्होंने उसे अपनी आपबीती सुनाई। बहन भाई के कहने पर ऑटो चालक ने उसके सौतेले भाई से फोन पर संपर्क किया। वह गोवा में काम करता है। हकीकत जानने के बाद उसके कहने पर ऑटो चालक दोनों को मानकापुर में रहने वाले उनके मौसेरे भाई के पास ले गया। बच्चे गायब होने से चाचा चाची ने खापरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनकी तलाश में तीनों टीमें बनाई गई। कामठी में खोजबीन कर रही टीम को ऑटो चालक मिला। उसने बच्चे मानकापुर में होने की जानकारी दी। उन्हें खापरखेड़ा लाया गया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को उनके मौसेरे भाई को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, SDPO मुख्तार बागवान के मार्गदर्शन में PI विजय जाधव, API दीपक कांकरेडवार, PSI प्रीतम निमगड़े, दत्तात्रेय कोलते, DB स्क्वाड के हवलदार उमेश ठाकरे, आशीष भुरे, नायक सिपाही प्रमोद भोयर, राजू भोयर, कांस्टेबल नुमान शेख, आशीष रड़के, इन्होंने ये कार्रवाई की है। वो कह रहे थे कि पैसे लाना, ये वो उधर से जाके ऐसा कहना कि हमारे पैसे दे दो, इसलिए हम चले गए। वहाँ से हम भैया के पास गए थे मनकापुर। कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन, BCN न्यूज़ खापरखेड़ा।